स्टेम रोबोटिक्स प्रोजेक्ट 4। नमस्ते। एक बॉट बनाने के लिए जो इससे जुड़े पुश बटन स्विच को दबाने पर बाएं, दाएं, आगे और पीछे की दिशाओं में चलता है। इस सर्किट में हम मोटर ड्राइवर, डीसी गियर्ड मोटर्स, पुश बटन, डायोड और बैटरी जैसे कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। आइए इस सर्किट को टिंकरकैड में बनाएं और इसका पालन करें। आइए पहले देखे गए सर्किट डायग्राम में बताए गए कंपोनेंट्स को बनाएं। तो हम एच ब्रिज मोटर ड्राइवर, डीसी गियर्ड मोटर्स, पुश बटन, डायोड और बैटरी 6V 4 नंबर को ड्रॉ करेंगे। हम बताए गए निर्देश के अनुसार कनेक्ट करेंगे। डायोड के एनोड तक बैटरी का पॉजिटिव। इस पॉजिटिव लाइन के लिए हम तार का रंग चुनेंगे लाल। डायोड का कैथोड मोटर ड्राइवर के 9th इनेबल 3 और 4 पिन के लिए, मोटर ड्राइवर के 8th पावर 2 पिन से मोटर ड्राइवर के 9th इनेबल 3 और 4 पिन तक, मोटर ड्राइवर के 9th इनेबल 3 और 4 पिन से मोटर ड्राइवर के 16th पावर 1 पिन तक, मोटर ड्राइवर के 16th पावर 1 पिन मोटर ड्राइवर के पहले इनेबल 1 और 2 पिन तक। मोटर ड्राइवर की 5th ग्राउंड पिन पर बैटरी का नेगेटिव। इसके लिए नेगेटिव लाइन या ग्राउंड है। हम तार का रंग चुनेंगे काला। मोटर ड्राइवर के 4th ग्राउंड पिन से मोटर ड्राइवर के 5th ग्राउंड पिन तक हम इस तार के लिए कोई भी रंग चुन सकते हैं। मोटर ड्राइवर के 12th ग्राउंड पिन से मोटर ड्राइवर के 13th ग्राउंड पिन तक, मोटर ड्राइवर के 12th ग्राउंड पिन से मोटर ड्राइवर के 5th ग्राउंड पिन तक। मोटर ड्राइवर की तीसरी आउटपुट 1 पिन को गियर मोटर 1 का पॉजिटिव। मोटर ड्राइवर की 6th आउटपुट 2 पिन को गियर मोटर 1 का नेगेटिव। मोटर ड्राइवर की 11th आउटपुट 3 पिन को गियर मोटर 2 का पॉजिटिव। मोटर ड्राइवर की 14th आउटपुट 4 पिन को गियर मोटर 2 का नेगेटिव। मोटर ड्राइवर की पहली इनेबल 1 एंड 2 पिन को पुश बटन 1 का टर्मिनल 1B, मोटर ड्राइवर की 2nd इनपुट 1 पिन को पुश बटन 1 का टर्मिनल 2B, मोटर ड्राइवर की 10th इनपुट 3 पिन को पुश बटन 2 का टर्मिनल 1B, मोटर ड्राइवर की 16th
पावर 1 पिन को पुश बटन 2 का टर्मिनल 2B। मोटर ड्राइवर की पहली इनेबल 1 और 2 पिन को पुश बटन 3 का टर्मिनल 1B। डायोड 1 के एनोड पर पुश बटन 3 का टर्मिनल 2B। डायोड 2 के एनोड पर पुश बटन 3 का टर्मिनल 2B। डायोड 1 का कैथोड पुश बटन 1 के टर्मिनल 2B तक। डायोड 2 का कैथोड पुश बटन 2 के टर्मिनल 1B तक। मोटर ड्राइवर के 7th इनपुट 2 पिन को पुश बटन 4 का टर्मिनल 1B। मोटर ड्राइवर के पुश बटन 4 से 16th पावर 1 पिन का टर्मिनल 2B। मोटर ड्राइवर के 7th इनपुट 2 पिन से मोटर ड्राइवर के 15th इनपुट 4 पिन तक। हमने अब सर्किट पूरा कर लिया है, आइए सिमुलेशन शुरू करें। हमने देखा कि मोटर शाफ्ट घूम नहीं रहे हैं और 0 आरपीएम दिखा रहा है। जब हम पहला बटन दबाते हैं, हमने देखा कि पहला मोटर शाफ्ट 142 आरपीएम के साथ घूम रहा है। इस तरह रोबोटिक वाहन एक दिशा में चलता है। क्योंकि केवल एक मोटर शाफ्ट घूम रहा है, कहें बाएं। जब हम पुश बटन को फिर से छोड़ते हैं, तब मोटर शाफ्ट फिर से घूमना बंद कर देता है और 0 आरपीएम दिखाने लगता है। जब हम दूसरा बटन दबाते हैं, हमने देखा कि दूसरा मोटर शाफ्ट 142 आरपीएम के साथ घूम रहा है। इस प्रकार रोबोटिक वाहन एक दिशा में चलता है। क्योंकि केवल एक मोटर शाफ्ट घूम रहा है, कहें दाएं। जब हम पुश बटन छोड़ देते हैं, तो मोटर शाफ्ट फिर से घूमना बंद कर देता है और 0 आरपीएम दिखाता है। जब हम तीसरा बटन दबाते हैं, हमने देखा कि दोनों मोटर शाफ्ट 132 आरपीएम के साथ घूम रहे हैं। इस प्रकार रोबोटिक वाहन सीधी दिशा में चलता है। जब दोनों मोटर शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हैं, तब कहें फॉरवर्ड। जब हम पुश बटन छोड़ते हैं, तो मोटर शाफ्ट फिर से घूमना बंद कर देता है और 0 आरपीएम दिखाता है। जब हम चौथा बटन दबाते हैं, हमने देखा कि दोनों मोटर शाफ्ट 132 आरपीएम और नेगेटिव साइन के साथ घूम रहे हैं। इस प्रकार रोबोटिक वाहन विपरीत दिशा में चलते हैं। जब दोनों मोटर शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तब कहें बैकवर्ड। जब हम पुश बटन छोड़ते हैं, तो मोटर शाफ्ट फिर से घूमना बंद कर देता है और 0 आरपीएम दिखाता है। इस प्रकार हम रोबोटिक वाहन के बाएं, दाएं, आगे और पीछे की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप अपना स्वयं का सर्किट बना सकते हैं, इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इसे असाइनमेंट में सबमिट भी कर सकते हैं। आनंद लें और उल्लास से रहें। सर्किट स्पष्टीकरण। जब लेफ्ट पुश बटन स्विच S1A को दबाया जाता है, तब मोटर ड्राइवर की IN1 पिन IC हाई हो जाता है,
जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर वन शाफ्ट एक दिशा में घूमता है, कहिए क्लॉकवाइज, जबकि लेफ्ट पुश बटन स्विच S1A को रिलीज्ड किया गया है। मोटर ड्राइवर IC की IN1 पिन लो हो जाती है, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर वन शाफ्ट घूमना बंद कर देगा, जबकि राइट पुश बटन स्विच S1B दबाया जाता है मोटर ड्राइवर IC की IN3 पिन हाई हो जाती है, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर टू शाफ्ट एक दिशा में घूमेगा, कहिए क्लॉकवाइज, जबकि राइट पुश बटन स्विच S1B दबाया जाता है मोटर ड्राइवर IC की IN3 पिन लो हो जाती है, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर टू शाफ्ट घूमना बंद कर देगा, जबकि फॉरवर्ड पुश बटन स्विच S1C को दबाया जाता है मोटर ड्राइवर IC के IN1 और IN3 पिन हाई हो जाती है, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर वन और मोटर टू शाफ्ट दोनों एक दिशा में घूमेंगे, कहिए क्लॉकवाइज, जबकि फॉरवर्ड पुश बटन स्विच S1 रिलीज किया जाता है मोटर ड्राइवर IC के IN1 और IN3 पिन लो हो जाती है, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर वन और मोटर टू शाफ्ट घूमना बंद कर देंगे, जबकि बैकवर्ड पुश बटन स्विच S1D को दबाया जाता है मोटर ड्राइवर IC के IN2 और IN4 पिन हाई हो जाते हैं, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर वन और मोटर टू शाफ्ट दोनों रिवर्स डायरेक्शन में घूमेंगे, कहिए एंटी क्लॉकवाइज, जबकि बैकवर्ड पुश बटन स्विच S1D रिलीज किया जाता है मोटर ड्राइवर IC के IN2 और IN4 पिन लो हो जाते हैं, जिससे करस्पॉन्डिंग मोटर वन और मोटर टू शाफ्ट घूमना बंद कर देंगे।